तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको विज्ञान विषय के लिए सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन भी बताऊँगा और उनके सभी के उत्तर भी बताऊँगा। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके विज्ञान विषय के पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्याय एक के वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो अध्याय एक जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक इसमें से आपको ये वाला याद कर लेना चाहिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अगला ये लिखा है अभिकारक किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो पूरा। उसके बाद में देखो अगला ये लिखा उत्पाद किसे कहते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लो, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लो पूरा। और एक ये वाला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है, तो पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग याद जरूर कर लो इसको, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है या आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वाला क्वेश्चन, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लो क्योंकि ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। आप देखो इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा है संचारण और विकृत गंधिता को समझाइए, तो ये भी बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे से इसको याद जरूर कर लें। अब चलो मैं आपको अध्याय दो के कुछ वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो देखो अध्याय दो में से एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लो, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम की है, यहाँ से आप सब लोग इसको पूरा याद जरूर कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो एक ये वाला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसको बिल्कुल आप लोग याद करके जाना है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें पूरा और अच्छे से याद जरूर कर लें। और एक इसमें से ये वाला क्वेश्चन याद कर लेंगे, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा का दो दो प्रमुख उपयोग, ये बिल्कुल 100% आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लो, बिल्कुल भी इसको छोड़कर मत जाना, नहीं तो पेपर में आपको पछताना पड़ सकता है। आप इसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार में अंतर, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है और ये इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसको बिल्कुल आप लोग याद करके जाना, बिल्कुल ही सरल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको अम्ल और क्षार में अंतर बताया है, एक दो बार पढ़ोगे ना उसमें ही आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। मगर देखो पांचवा यहाँ पर नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना, जल में विलय होकर H- इस तरह से आयन देता है, ठीक है ना, तो आपके पाँच अंतर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो इसके बाद में आपका अध्याय तीन जिसका कि नाम है धातु एवं अधातु है, अब इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लो, ये वाला बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखो एक अगला क्वेश्चन ये लिखा है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी यहाँ से आप लोग नोट कर लो पूरा का पूरा, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, यहाँ से आप लोग इसको याद कर लें अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें, ये खनिज लिखा है, अयस्क लिखा है, गैंग लिखा है, तो इनको यहाँ से आप लोग समझ लें कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप इस वाले अंतर को भी देख लोगे, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु लोहे की मिश्रातु का नहीं। और इसके अलावा एक ही वाला धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर तो पक्का डेफिनेटली आपके पेपर में आ चुका है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद जरूर कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आने लायक है और बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या लिखिए, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लो अच्छे प्रकार से। और एक ये वाला क्वेश्चन, ऑक्सीकारक क्या उदाहरण दीजिए, तो ऑक्सीकारक को पूरा का पूरा देख लें यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, एल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए, तो देखो एल्कोहल के प्रमुख उपयोग क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा और समझ भी ले यहाँ तक का।
अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको और कौन कौन से क्वेश्चंस याद करने हैं चलो मैं आपको बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समय रहते अच्छे से इन सभी को तैयार कर सकें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप सब लोग कुछ इनमें से क्वेश्चंस भी देख लेंगे, एक इस वाले को और इस वाले को, इनको ही देखना, ज़्यादा मत देखना इसमें से, और एक इसको देख लो अगर आप चाहो तो, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं सीधा आगे। तो आपका अगला जो पार्ट है जिसका कि नाम है जैव उपक्रम, इसमें से आपको क्या करना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, जैव उपक्रम किसे कहते हैं, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों एक ये वाला भी आपको याद कर लेना है, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एक तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर है, आप लोग याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, इसको आप लोग याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भोजन में पाचक नाल की क्या भूमिका है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको बताना, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लो, जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूरा। और एक धमनी और सिरा में अंतर, धमनी और सिरा का अंतर बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप सब लोग धमनी और सिरा में अंतर जरूर याद कर लें अच्छे प्रकार से, ताकि आप लोग इसको परीक्षाओं में लिखकर आ सके। अब देखो इसके अलावा आपका अध्याय 8 जिसका कि नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसमें एक तो ये वाला क्वेश्चन याद कर लो आप लोग पूरा का पूरा, ये परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। और उसके अलावा देखो एक ये वाला, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, तो पहला पॉइंट ये लिखा है इसका, और दूसरा तीसरा पॉइंट ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन देख लोगे आप लोग यहाँ से क्या लिखा है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पूरा याद कर लोगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लें आप सब लोग, और पूरा का पूरा इसको याद जरूर कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये दिया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लो और याद कर लो अच्छे से, यौना आरंभ के समय लड़कियों में परिवर्तन क्यों दिखाई देते हैं। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। उसके बाद में देखो और आगे के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, तो ये वाला क्वेश्चन, मानव वर्षण के कार्य लिखिए, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो पूरा और याद कर लोगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो और पूरा याद कर लो इसको। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको जरूर देख लें और पूरा का पूरा याद जरूर कर लें। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होते हैं, तो देखो इसको यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, तो देखो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे, विकासी संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, इसको आप लोग याद कर लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला क्वेश्चन, अनुवांशिकता क्या है, इसको भी आप लोग याद कर ले, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। उसके बाद में कुछ और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक इस वाले क्वेश्चन को भी देख लोगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक ये वाला सवाल बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका है, इसको आप लोग याद जरूर कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। कौन सा वाला क्वेश्चन याद करना है आपको, ये वाला देख लो कौन सा, ये वाला बिल्कुल आपको याद करना है, ये पेपर में बिल्कुल आपका छप चुका है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसको आप लोग याद कर लो। और उसके अलावा देखो अब अगला क्वेश्चन ये रहा, हम वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में परिवर्तन को देते हैं, उत्तल दर्पण को, अपवर्तन किसे कहते हैं, और प्रकाश के परिवर्तन के। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लोगे। देखो अध्याय 11 जिसका कि नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे, नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको बिल्कुल आप लोग याद करके जाना, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको याद जरूर कर लें। अब देखो इसके अलावा मानव नेत्र का चित्र आपको सीख लेना है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र भी आपको सीख लेना है, ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा अध्याय 12 की बात करते हैं जिसका कि नाम है विद्युत। अब विद्युत वाले पार्ट में से इन दोनों ही प्रश्नों को आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, दोनों के दोनों ही मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको। देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है,
इसको याद कर लोगे आप लोग। और कुछ ये चिन्ह जो दे रखे हैं ना, इनको भी आप लोग बनाना सीख लो, क्योंकि ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लोगे आप लोग। उसके अलावा अध्याय 13 की बात करें, जिसका कि नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो देखो इसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में अगला प्रश्न ये रहा, फ्लेमिंग की वामहस्त का नियम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लो और पूरा का पूरा समझ भी लो। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न ये लिखा है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें कि दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या है। उसके बाद में देखो फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लें अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इसको यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद जरूर कर लें। उसके बाद में देखो ये वैसे आपको याद नहीं करना है, इस साल के लिए हट गया है, तो इसको याद मत करना तुम बिल्कुल भी, ठीक है ना। इस पार्ट में से जो भी क्वेश्चन है ना, ये आपके हट चुके हैं, तो इनको याद मत करना आप। अब आपको आगे आ जाना सीधा सीधा यहाँ पर हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। तो इसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, एक परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी आप लोग याद कर लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखो एक ये वाला, जैव आवर्धन क्या है, ठीक है ना, एक इसको भी याद कर लेना आप लोग यहाँ से। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो उम्मीद है कि ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पर जो वेबसाइट का पता नज़र आ रहा है, उसके ऊपर जाकर आप लोग इस PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।